हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह लेकर आया हूँ। ईदगाह के बारे में आप लोगों को जहाँ तक पता ही होगा, तो ईदगाह क्या होता है कि जहाँ ईद की नमाज पढ़ने की जगह, उसको ईदगाह कहते हैं। यहाँ पर एक बच्चे की कहानी दी गई है, बच्चे की मन की भावना जो अपनी दादी यानी कि अम्मा के लिए है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आइए, ये जो चैप्टर है मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक हामिद नाम के लड़के की बात कही गई है। हामिद जो है एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी बूढ़ी अम्मा अमीना, उनका अम्मा का नाम अमीना, के साथ में रहता था। ईदगाह का दिन होता है, ईदी के लिए सब ईदगाह जाने की तैयारी करते। रमजान के पूरे 30 दिन पूरे हो गए हैं और आज लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाएंगे। तो गांव में एक हलचल सी बनी रहती है, कोई इधर उधर जा रहा होता है, कोई अपने बटन के कुर्ता यदि टूट गया तो पास के घर से सुई धागा लेने गया है, किसी की जूते क्या है बहुत कड़क हो गए हैं, कड़े हो गए तो अपने जूतों में तेल डाल रहा है। ऐसे ही जल्दी जल्दी सब क्या है इधर उधर भागम दौड़ी कर रहे हैं। तभी ये जो हामिद होता है उसे भी ये सब देखकर बहुत एक उत्साह होता है कि मैं भी ईदगाह जाऊँ अपने दोस्तों के साथ में। लेकिन हामिद के माँ या बाप दोनों में से कोई नहीं होता है, वो अपनी अम्मा के साथ यानी कि अपनी दादी के साथ रहता है और उसकी दादी उसका देखरेख करती है। जब हामिद अपने दोस्तों के साथ जाने की जिद करता है तो उसकी अम्मा काफ़ी सोच विचार करने लग जाती है कि मेरा बेटे और बहू वो तो क्या है समय से पहले चले गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय इस बच्चे के, अगर इसे भी कहीं कुछ हो जाता है तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। ऐसी सोच लेकर वो अंदर ही अंदर उसको खाए जाती है। लेकिन हामिद जो है वो जाने की जिद करता है और अम्मा को मनाता है कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा वहां और सही से आ जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करना, ऐसा आश्वासन देता है किसे, अपनी अम्मा को। अम्मा उस बालक की बात को यानी हामिद की बात को नहीं टाल पाती है और उसे जाने की अनुमति दे देती है। लेकिन रास्ते में इतना छोटा सा बच्चा बिना खाए पिए जाएगा तो उसके लिए वो अपने पास से 3 पैसे उसको निकाल कर देती है कि रास्ते में कुछ खा पी लेना। हामिद खुशी के मारे अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर निकल पड़ता है। जैसे ही रास्ते में निकलते हैं, उन लोग कुछ दूर जाते हैं, वैसे ही चारों ओर एक अलग सी रौनक उनको दिखाई देती है, मिठाई की दुकान, खिलौने की दुकान। ये हामिद अपने मन को बहुत समझाता है और समझाते समझाते वो ईदगाह तक पहुंच जाता है। नमाज पूरे होने के बाद सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और जो हामिद के दोस्त हैं सब मिलकर मेले की ओर प्रस्थान करते हैं यानी जाते हैं।
मेले में जैसे ही उन लोग जाते हैं, उनको कई तरह की दुकानें, खिलौने की दुकान, जलेबी की दुकान, मिठाइयों की दुकान, फिर जो होता है अलग अलग प्रकार के चक्की, पवन चक्की, उसमें क्या है बैठने के लिए जो खिलौने होते हैं वो इस तरह के होते हैं। लेकिन हामिद क्या होता है, अपने मन को मजबूत करके रखता है कि मुझे, मेरे पास 3 पैसे हैं, इन 3 पैसों से मुझे कुछ एक अच्छी चीज़ लेनी है जिससे मेरी अम्मा क्या है खुश हो जाए और मुझे बहुत सारी दुआएं दे, क्योंकि बड़ों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। हामिद के सारे दोस्त जाकर कोई मिठाई खा रहा होता है, कोई अपने लिए खिलौना खरीद रहा होता है, इस तरह से उन लोग क्या है अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं। हामिद पूरे मेले में घूम फिर कर जा रहा होता है, अचानक उसकी नज़र एक बर्तन की दुकान में पड़ती है जहाँ की एक चिमटा उसे दिखाई देता है। जो चिमटा है उसे देखकर हामिद को याद आ जाता है कि अम्मा जब रोटी बनाती है तो अम्मा की हाथ क्या है जल जाती है, यानी अम्मा को क्या है हाथ जल जाते हैं, तो मैं अम्मा के लिए ये चिमटा ले लेता हूँ। और वो जाकर दुकानदार से उस चिमटे की कीमत पूछता है। तो दुकानदार को जब हामिद चिमटे की कीमत पूछता है तो दुकानदार कहता है कि ये 6 पैसे का है। ये सुनते ही हामिद का जो मन क्या है वो टूट जाता है, क्योंकि हामिद के पास खाली 3 पैसे होते हैं। तो दुकानदार कहता है कि ऐसे तो 6 पैसे का है, लेना हो तो 5 पैसे में दे दूंगा। लेकिन हामिद के को हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके क्या करता है कि अपने मन को मजबूत करके कह देता है 3 पैसे में दोगे, बोलकर आगे बढ़ने लगता है। तो हामिद को जो दुकानदार है वो कहता है कि ठीक है ले जाओ। तो हामिद 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है और अपने कंधे में तान कर, जैसे बंदूक ताना हो ऐसे तान कर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों के पास पहुंचते ही दो दोस्त जो है उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तूने खरीदा अभी तो क्या खरीदा, ये चिमटा खरीदा, इससे तू क्या करेगा। तो जो हामिद है वो कहता है इस चिमटे से मैं तुम्हारे खिलौने को यहीं पर मारूं तो यहीं पे पूरा ढेर हो जाएगा, लेकिन मेरे चिमटे को कुछ नहीं होगा, इस चिमटे को कंधे पे लगा लो तो ये बंदूक जैसा काम करता है, हाथ में ले लो तो हामिद यानी कि जो मौला होते हैं ऐसा लगेगा और दूसरे भी हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। इस तरह से अपने दोस्तों को मना कर वो अपने घर की ओर उन लोग बढ़ते हैं। घर की ओर बढ़ते ही जब हामिद अपने घर लौटता है तो वो खुशी खुशी जाकर अपनी अम्मा को क्या है ये चिमटा देता है। चिमटा देते ही अम्मा कहती है ये क्या, तो वो कहता है कि अम्मा जब तुम रोटी बनाती हो तो तुम्हारे हाथ क्या है जल जाते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ मुझे तुम्हारे लिए और कुछ नहीं मिली। तो उसकी अम्मा जो है वो क्या है कि एकदम भावुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसको ऐसा होता है कि इतना सा बच्चा वो रोने लगा, यानी उसने सोचा नहीं कि मतलब मैं अपने लिए खिलौने खरीद लूँ या सब यानी जो खिलौने हैं इस तरह की सब चीज़ें खाओ,
लेकिन उसने क्या किया कि मेरे लिए ये चिमटा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ढेरों सारे जो दुआएं होती है वो क्या है, हामिद को देती है। और अमीना उसे गले लगाकर कहती है कि अल्लाह ने मुझे इतनी कीमती जो चीज़ है वो मुझे दी है। तो इस पार्ट के अंदर ये आपका जो पार्ट है उसमें ये 5 पेज का है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाया। तो आप अब 8वीं में आ गए हो तो आप लोगों को पढ़ना है, इस पुस्तक को पढ़ना है, यानी किताब को पढ़ना है और समझना है कि मैंने जो चीज़ आपको कही है क्या उसी है पाठ के हिसाब से मिलती है या नहीं। तो आज का जो मेरा ये चैप्टर है यहीं पे पूरा होता है। फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट पेज में। तब तक के लिए